नमस्ते, कृषि इंटे के तरफ से आप सभी को बहुत नमस्कार। हम लोग आज एक साइट में आ गए हैं जिसको आपको दो हफ्ता पहले आपको मैंने बताया था, जिसका मालिक नाम लोग था न्यू टाउन फिफ्थ एवेन्यू। ये हमारा फोर्थ फ्लोर में फ्लैट था मिस्टर चैटर्जी का। मिस्टर चैटर्जी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये उनका टेबल है, शू रैक बना हुआ है, इसमें प्लांट्स व्लांट्स कुछ भी रख सकते हैं। बहुत दिन आपको पहले ये सब बना हुआ नहीं था, आज ये साइट कम्प्लीट हो चुका है। आइए आप लोग पूरे घर के देखिए, चालू करते हैं यहाँ से। आइए देखिए, उस दिन आप लोगों ने इनकम्प्लीट देखा था, आज ये पार्टीशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। घर एक बार ध्यान से देखिए, ये सब पॉलीकोट किया हुआ है, जितना भी है सब को पॉलिश फिनिश है। ये हमारा कंसोल टेबल है, आप देख सकते हैं यह सारा काम यहाँ पर सब पॉलीकोट का कराया हुआ है। आप सब एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा कंसोल टेबल पॉलिश किया हुआ, कोई भी लैमिनेट का काम इस घर पे नहीं हुआ है। आप सभी को मालूम है, लास्ट टाइम आप लोगों ने मैंने दिखाया था, गेट का डिजाइन है। अब आइए आपको सोफा एरिया, डाइनिंग एरिया दिखाते हैं। आदि ये हमारे सर हैं, प्लीज माइंड मत कर, मतलब वो नहीं है, एक फाइनल वीडियो नहीं हो रहा है, फाइनल वीडियो फिर आपको कुछ दिन बाद मिलेगा। ये हमारा वेनियर लगा हुआ है, पॉलीकोट है, लैमिनेट्स है रॉयल टच का, वही से वहाँ कंटिन्यू हुआ है, आप देख सकते हैं। सोफा है, सेंटर टेबल बना हुआ है, लेकिन आज डिसीजन लिया गया कि चेंज होगा। अब आपको टीवी सेक्शन दिखाते हैं, टीवी वाले देखिए। सारा चीज़ हम लोग का बनाया हुआ है एक्सेप्ट द टीवी। टीवी हमारा नहीं है, टीवी सर यहाँ कुछ खरीद के लगाए हैं, बहुत सुंदर टीवी है। आइए आपको डाइनिंग टेबल दिखाते हैं। अभी डाइनिंग टेबल देखिए, सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल है, इटालियन मार्बल का टॉप है, प्लस सेगुन लकड़ी का पाया किया हुआ है, आप देख सकते हैं ध्यान से। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है ये डाइनिंग टेबल। आप लोग सामने से अगर देखने जाएँ तो कोशिश करेंगे आप लोगों को विजिट करा सकें। और ये एरिया देखिए, ये हमारा क्रॉकरी सेंटर है, आप सब चीज़ का देखिए, अंदर लाइट्स दिया हुआ है, अंदर में आप सामान रख सकते हैं, इसके अंदर भी सामान रख सकते हैं। एक ग्लास का कैबिनेट बना हुआ है शोपीस वगैरह रखने के लिए, आस्ते आस्ते शोपीस यहाँ पर और ज़्यादा भर जाएंगे। और नीचे सेक्शन जो बना हुआ है वो बॉटल रखने के लिए बना हुआ है, पानी का बॉटल सो वगैरह, आप जो भी बॉटल रखना चाहें आप रख सकते हैं। इस तरह कैसे लो हाइट में दिया हुआ क्योंकि समझ में ना आ सके क्या रखा हुआ है। ये हमारा ग्लास का सेक्शन है, देखिए ग्लास के डिजाइन बना हुआ है, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा डिजाइन बना हुआ है। सब वीनियर का काम पॉलीकोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से। आइए आप लोग को किचन में ले चले। ये हमारा किचन है, किचन में देखिए सबसे खास बात क्या होता है कि आपको जगह सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। अब जगह के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, ये अब जो काउंटर पे हम लोग क्वार्ट्स लगाए हैं, ये लगाने के बाद ये चीज कंटिन्यू हो गया है। फिर से आप देखिए, ये लगाने के बाद ये चीज कंटिन्यू हो गया, तो इसका सुंदरता देखिए और अच्छा हो गया, क्योंकि पानी भी आप मार सकते हैं दीवार में। समझ लीजिए कोई चीज का पानी गिरा दिया, पानी गिरा दिया तो वो अंदर तो जम जाता है गंदगी, वो जमेगा नहीं, वो जम के नीचे आ जाएगा। प्लस ये हॉब है, हॉब हम लोग इनवेट वाला नहीं करते क्योंकि गंदगी से। टॉप में रखा हुआ चिमनी पड़ा हुआ है, लाइटिंग है, अब स्टोरेज है, बास्केट है, एक मॉड्यूलर किचन में दोनों होना चाहिए, इसमें सभी चीज दिया हुआ है। देखिए सिंक लगा हुआ है, एक्वागार्ड है, सब सामान रखने के लिए। देखिए ये हमारा नॉर्मल मैगी वैगी रखने के लिए है, टॉल यूनिट जिसे कहते हैं। ओवन रखने का जगह है, यहाँ पर एक सामान है, हाइड्रोलिक दिया हुआ, आप टच कर दीजिए जाएगा। दूसरा हो गया कि ये सबसे जो अनोखा चीज इस घर पे अभी दिया है, चालू हो रहा है, वो आप कोई भी चीज का आलू टमाटर प्याज कोई भी रनिंग आइटम है आप उस पर रख सकते हैं, लहसुन हुआ आदि हुआ सभी चीज इसमें
आप रख सकते हैं। ऐसा ना दो बनाए हुए आपके घर में ज्यादा लोगों तो ज्यादा भी बन जाएगा। उसके बाद ये आपको रेफ्रिजरेटर, ये हम लोग का नहीं है, सर लोग खुद ही खरीद के ला के दिए। आइए आपको दूसरे रूम में ले चले, हमारा मंदिर एरिया। देखिए ये मंदिर है, ये एक स्टडी टेबल बनाया हुआ है, स्टडी टेबल बनाया हुआ है पढ़ने के लिए। उसके बाद सबसे अनोखा बात है, ये ऐसे एक बड़ा रूम है लेकिन एक नॉर्मल, ये सर यहाँ पर हमारे क्लाइंट यहाँ पर सोफा यूनिट मांगे थे तो हम लोग एक सोफा कम बेड करके दे, ऊपर उठा के नीचे से हाँ लॉक है तो भी छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिल जाएगा। ये वॉलपेपर लगा हुआ है, ये भी पॉलिश का काम है, पेंट कहीं नहीं है, सब पॉलिश किया हुआ है। चैंडेलियर देखिए, बहुत खूबसूरत एक चैंडेलियर लगा हुआ है। आइए आप लोग अब दूसरा रूम में लेके चलते हैं जो इस घर का गेस्ट रूम है। ये देखिए गेस्ट रूम, बहुत सुंदर गेस्ट रूम है, बहुत लोगों का ये मास्टर बेडरूम सोचते होंगे लेकिन एक तरह का गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम में देखिए फैन है, ड्रेसिंग यूनिट है, एक बड़ा वार्डरोब है ड्रेसिंग यूनिट है। देखिए कितना सुंदर, देखिए जो ग्लास कंटिन्यू हुआ, देखिए वो नीचे तक आया हुआ है, आप शूज भी नीचे देख सकते हैं अपना। ये इसके नीचे देखिए एक टॉवर सिस्टम है, नीचे लाइट जल रहा ऑन है। देखिए ध्यान से अंदर में लाइट जल रहा है बैठ के। सबसे खास बात ये देखिए, पूरा आपको स्टोरेज मिलता है, आप खाली काम कर दीजिएगा ऑटोमेटिक चल जाएगा। ये हमारा टीवी सेक्शन है, बहुत सुंदर लाइट जला दी, ये उधर टीवी का लाइट। वार्डरोब के अंदर लाइट, बहुत सुंदर रूम है, बहुत अच्छे रूम है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम का डिजाइन देख लीजिए, बहुत स्वीट और बहुत अच्छा कलर है। आइए आप लोग पहले चलते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम थोड़ा सा मैसी है क्योंकि सर लोग यहाँ बहुत सारा सजाने का सामान यहाँ रखे हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर रूम है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बेड, बेड के पीछे जो हेडबोर्ड का डिज़ाइन है, आप एक बार ध्यान से देखिए एक बार उसे। अब इस पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ भी वही सेम सिस्टम है, बेड वैसे हाइड्रोलिक है, पूरा स्टोरेज आपको मिलेगा अंदर में। साइड टेबल बना हुआ है, बहुत बड़ा साइड टेबल है, यहाँ से हम लोग टू वे स्विच देते हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी फैन लाइट ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारा पॉलीकोट का काम है, ध्यान से आगे देखिए पॉलीकोट का काम है, बगल में ग्लास दिया हुआ है, डिजाइन देखिए ग्लास है, ये ब्रॉन्ज ग्लास बोलते हैं इसको, ये पॉलीकोट पे ऐसे ग्लास का काम किया हुआ है। देखिए सारा डिजाइन एक बार बहुत अच्छे से देखिए, फैन है, ऑटो बक मैच फैन में मैचिंग करके वैसे करके दिए हैं। उससे ही बड़ी बात है, आपको मैं जिस स्लाइडिंग वाटर देखिए उसके अंदर जो हम लाइट्स देते हैं, ये स्लाइडिंग वाटर है।
ऊपर में आपको ओवन या स्टोरेज मिल जाता है, वो भी सारा गैस पर किया हुआ। देखिए ऐसे करके हम लोग को मिल जाता है। दूसरा सेक्शन आपको दिखाते हैं, टीवी यूनिट। देखिए हमारा ये बहुत सुंदर मास्टर बेडरूम का टीवी यूनिट है, सब डिजाइन करके बना हुआ है। ऊपर का पॉलीकोट का काम है, नीचे पीयू का काम किया हुआ है। देखिए बहुत सुंदर टीवी यूनिट बना हुआ है। ये पर्दा है, यहाँ का ये व्यू है, ये एक सिटिंग एरिया है। अभी सिटिंग एरिया का सबसे खास बात क्या है, अब यहाँ से जो व्यू मिलता है आप एक बार देखिए, यहाँ बैठ के चाय कॉफी नाश्ता कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर बहुत बेहतरीन व्यू है यहाँ का। ये हमारा ड्रेसिंग यूनिट है, बाकी का वीडियो आपको 2-3 दिन बाद हम लोग फिर से फाइनल अपडेट होगा। 24th का घर का लॉन्चिंग है। अब गेट भी देख लीजिए, दोनों डिजाइन गेट कितना सुंदर है। देखिए 24th को हाउस वार्मिंग पार्टी है, लॉन्च है उस दिन। उस दिन आपको फाइनल वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको डिलीवर कर सकें। थैंक यू।